जो औलिया अल्लाह दुनिया से इंतकाल कर चुके होते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो मिसाली सूरत में तशरीफ़ लाते हैं और मुलाकात करते हैं, हाजिर होते हैं, तो हज़रत वो ऐसा क्यों करते हैं? उसकी क्या क्या वो सोबत देने आते हैं उस बंदे को, और ऐसे वक्तों में उस बंदे को क्या आदाब जलाने चाहिए हज़रत? इसकी बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये भी अच्छा सवाल है, होता है, क्योंकि ख्वाब तो मोमिन के लिए मुबशरात हैं जी, और कुर्बे क़ियामत में तो मुबशरात ज़्यादा होंगे जी। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़ियामत में ईमान वालों को मुबशरात के जरिए से रहनुमाई की जाएगी जी, सच्चे ख्वाबों के जरिए से। तो ख्वाब जो है यूरोप नबूवत का 46वां हिस्सा है, नबूवत का 46वां हिस्सा है, नबूवत के 46 हिस्से हैं, 45 हिस्से ख़त्म नबूवत की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, एक 46वां हिस्सा जो है वो सच्चे ख्वाब अल मुबशरात वो क़ियामत तक बाकी रहेगा। इसलिए हदीस में फरमाया कि ला यबका इल्ला नबूवा है, सॉरी ला यबका इल्ला मुबशरात, कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है लेकिन मुबशरात बाकी हैं। तो मुबशरात के जरिए से भी अल्लाह तबारक व ताला गुजरे हुए औलिया कामिलीन के फैजान पहुँचाते हैं, वो अल्लाह की इज़्ज़त के साथ ख्वाब में आते हैं, मतलब अपने मुकाम पे हैं, मतलब किसी के दादा सुल्तानुल हिंद, मतलब हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मसलन, वो सिलसिला चिश्तिया में कोई मुरीद है और वो जो कस्बे फैज करता है, मेहनत करता है इसमें। अब अल्लाह तबारक व ताला को मकसूद होता है कि इसकी तड़प, इसकी कोशिश, इसकी मेहनत के जरिए से अल्लाह चाहता है कि इसकी वजह से उसके पे खास फैजान हो। तो चूंकि अल्लाह की सुन्नत है कि इन सिलसों के जरिए से मामला आगे चलाते हैं, जैसे कि फिजिकली एक सोबत के बाद आगे औलादे पैदा हो करना, ये अल्लाह की एक सुन्नत तरीका है। कुदरत तो अल्लाह की है कि बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, चुनाचे बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया, बगैर माँ के पैदा कर सकता है, जो माँ बाप को बगैर माँ के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा कर सकता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, लेकिन दोनों के मिलाप के साथ पैदा करना, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है, वरना हर माँ बाप की औलादे नहीं होती जी। तो ये अल्लाह तो अल्लाह की सुन्नत इसी तरीके से यहाँ पर यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ये फैजान देते हैं। ये शुबा मैं इसलिए क्लियर करता जा रहा हूँ, बाज नलायक कहते हैं यार अल्लाह ने मोहताज है कि ख्वाब में ख्वाजा साहब को भेजें फिर फैजान मिले, अल्लाह डायरेक्ट दे दें जी, बिल्कुल ये इस वजह से मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह बगैर मर्द औरत के मिलाक भी औलाद दे सकता है, बेशक अल्लाह कुदरत दिखाई है, क्यों नहीं देता? अल्लाह की एक सुन्नत है, एक अल्लाह की कुदरत है, तो सुन्नत ही है। तो इस तरीके से तो अब अल्लाह ने वो फैजान देना होता है, तो फिर उस यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मसलन उनको इजाजत इज़्ज़त हुआ, वो अपनी रूह रूहानी यानी आलम मिसाल में वो ख्वाब के अंदर आए, ख्वाब के अंदर आए और जो भी फैजान देना है वो आप पर तवज्जो डाली, आपको जो तजवीज दी, लेकिन उसके अंदर मुरीद को ये एतकाद रखना है कि ये जो सुल्तान हिंद है असल में ये मेरे पीरो मुर्शिद जो है ये उसी का गैबी लतीफा है। बिल्कुल, पीरो मुर्शिद लतीफा गैबी की में इस शक्ल के अंदर आए हैं, असल फैजान पीरो मुर्शिद ही का मेरी तरफ मुंतकिल हो रहा है जी। तो इस तरीके से तो अल्लाह के इज़्ज़त के साथ आते हैं और वो कोई खास मुकाम देना मकसूद होता है, इसलिए वो आके जो है वो आपको वो कस्बे फैज का मौका देते हैं, माशाल्लाह ये है वजह। अच्छा, तो वो ख्वाब और वो वही चीज हो गई कि वो फिजिकली कभी कभी तशरीफ ले आते हैं, तो वो वही चीज हो गई जो आप ख्वाब जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिजिकली जैसे इंसान एक चीज का बेनिफिट ले रहा है तो ख्वाब के मुबशरात के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला वही नफा आपको पहुंचा रहे हैं। अच्छा ठीक है।